के छोटे से पीस से बनाएंगे बहुत ही सुंदर, कंफर्टेबल और गरम मोजे, वो भी बनेंगे सिर्फ 5 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू होगा नाप से। जिनके लिए आपको मोजे बनाने हैं उनके पैर का आपको नाप लेना है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, टिप को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और पीछे की तरफ भी एड़ी को टच करते हुए स्केल रखना है और फिर देखना है। तो मेरी लंबाई आ रही है 9.5 इंच। अब चौड़ाई, तो पैर का जहां पर सबसे ज्यादा चौड़ा हिस्सा है वहां पर गोलाई में टेप को रखना है। तो मेरी आ रही है 9 इंच। तो लेंथ और विड्थ फिक्स हो गई। अब लिया है कॉटन कपड़ा, विड्थ आई थी 9 इंच, अधिक 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, 10 इंच हो गया। और लेंथ हमारे आई थी 9.5 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो हो गया 11 इंच। तो इस तरह से आपको कॉटन, कोई भी कॉटन कपड़ा लेना है, कोई भी थिक कपड़ा भी चलेगा। अब इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब ये जितना भी है उसका आधा करना है और यहां पर एक पॉइंट देना है। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब हम यहां पर 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे। आपको कोई भी साइज हो, आपको 1.5 इंच अंदर की तरफ लेना है और फिर यहां पर इस तरह से आपको दो लाइंस बनानी है और यहां पर इस तरह से कर्व देना है। तो इस शेप के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। इस शेप से आपकी जो एड़ी की तरफ का भाग है वहां पर फुलान नहीं आता। अब इसे मैं खोल दूंगी ये दो पीसेस है। अब इसे थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए मैंने ये टी शर्ट का कपड़ा लिया है। जरूरी नहीं है कि टी शर्ट का ही यानी होजियरी ही कपड़ा हो, आप कोई भी कॉटन का जींस का कपड़ा ले सकते हो इसे डबल करने के लिए। तो मैंने बस टी शर्ट का कपड़ा लिया है। अब इसे जो है हम साइड में रखेंगे, यानी कि ये दो पीसेस है तो एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये होजियरी का कपड़ा है तो सिलाई आएगी, तो जरूर आएगी क्योंकि इसे कॉटन कपड़े का सपोर्ट है, फिर चाहे आपकी कोई भी नंबर की सुई क्यों ना हो। अब हम यहां से इसको सिलाई लगाएंगे, जो शेप हमने कट किया था बस वहीं से सिलाई लगानी है। तो यहां पर आप देख सकते हो सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है क्योंकि हमें यहां पर पलट कर लेना है। तो मैंने बस यहां पर ये सिलाई लगा दी है 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए। दोनों ओर सिलाई लग चुके हैं। अब यहां पर दो छोटे छोटे कट्स कीजिएगा क्योंकि यहां पर ये जो गोलाई है ना, तो पलटने के बाद यहां पर झोल नहीं आएगा। अब मैं इसको पलट कर लूंगी सीधे में। तो देखिए सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम इसको इस तरफ रखेंगे, मतलब ये वाली साइड जो अंदर की तरफ रहेगी। अब यहां पर मैं 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक लगा रही हूं। आपके पास 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक नहीं है, 1/4 इंच चौड़ा है तो आप वो भी ले सकते हो। बस जितना चौड़ा इलास्टिक है उसका उतना मार्किंग करते हुए हमें यहां पर गोलाई देनी है। तो ये 1/2 इंच की दूरी पर यह मैंने मार्किंग कर दी है। अब हम उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो अगर आपका 1/4 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। अब ये इलास्टिक मैंने कितने लिया है देखो, ये जितनी भी गोलाई है उस गोलाई से 1.5 इंच कम रखना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो जितनी भी गोलाई है उससे 1.5 इंच कम रखा है। सेम तरीके से और एक पीस मैं यहां पर डाल दूंगी। तो इसे मैं डाल रही हूं इस पिन की मदद से। तो यहां पर एक जरूरी चीज, 1/2 इंच तक आप इलास्टिक डाल सकते हो। 1/2 इंच के ऊपर है 1 इंच चौड़ा तो इतना मत डालिएगा, उसका उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो 1/4 इंच या 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक चल जाएगा। तो अब मैंने यहां पर इलास्टिक डाल दिया है और ये निकले नहीं यानी अंदर की तरफ चला ना जाए, इसलिए यहां पर मैं पिंच से इसको सेट कर दूंगी। आप चाहो तो हाथों लगी सिलाई भी लगा सकते हो ताकि ये अंदर की तरफ ना जाए। सेम तरीके से इस और भी मैं इलास्टिक को डाल दूंगी। तो ये मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब यहां पर भी मैं पिंच लगा कर लूंगी। तो जितनी भी आपकी गोलाई है उससे 1.5 इंच रखना है कम, ठीक। दोनों ओर मैंने पिंस लगा दिए हैं। अब देखिए अगला स्टेप होगा हमारा इसे सीधा करके। तो इसे मैंने सीधा कर दिया और इसे इस तरह से फोल्ड किया है और यहां पर बस हमें सिलाई लगानी है। तो यहां से सिलाई लगेगी तो पिंस को मैंने निकाल दिया है और बस आगे पीछे करके धागा लॉक करेंगे और फिर आगे की तरफ सीधी सिलाई लेके जाएंगे। यहां पर आप डबल सिलाई लगा कर लें तो सिलाई बिल्कुल फाइन आती है क्योंकि यहां पर कॉटन कपड़े का सपोर्ट है। अब हम ये वाला जो हिस्सा है ये जो एड़ी की तरफ होगा, तो एड़ी के लिए हम हल्का सा शेप देंगे। यहां पर 1.5 इंच तिरछा लेना है सभी साइजेस के लिए और बस यहां से इस तरह से शेप दीजिएगा। एड़ी एकदम फिट बैठेगी यहां पर। तो बस यहां से मैं इसको सिलाई लगा रही हूं जैसा निशान बनाया है।
और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है यहाँ पर गोलाई का, उसे हम कट कर देंगे गोलाई में ही। सेम तरीके से मैं दूसरा भी हिस्सा बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों हिस्से बना दिए हैं, बिल्कुल सेम बने हैं जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर अभी के लिए तो कोई राइट नहीं कोई लेफ्ट नहीं, दोनों बिल्कुल सेम है। अब मैं इसे खोल के इस तरह से रख दूंगी, जो सिलाई है ना वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो सिलाई को एकदम बराबर से सेंटर में लेना है आपको, और इस सिलाई को बीच में से खोल दे इस तरीके से, एकदम प्लेन करना है। अब इसके ऊपर पैर रखकर हमें उंगलियों का निशान बनाना है। तो जैसे ये अंगूठे वाले हम बना रहे हैं, अगर आपको अंगूठे वाले नहीं बनाने हैं तो सिंपली आप इस तरह से शेप दीजिएगा, जैसे आपका पैर का निशान बनता है बिल्कुल। और अगर आपको अंगूठे वाले बनाने हैं, मतलब बीच में से यहां पर आपको कट चाहिए, तो बस इस तरह से वी शेप में बना दीजिएगा। अब इस और मैं लेफ्ट वाला पैर रखूंगी। जब भी आप पैर रखते हो तो आगे की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए रखिएगा, ताकि निशान बनने के बाद आगे की तरफ मार्जिन रहे। अब बस दोनों के ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। ये वाला जो शेप है ये आप हाथ से भी दे सकते हो, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। बस अंगूठे का और उंगलियों का इस तरह से आपको निशान बनाना है, और उसी के ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर दीजिएगा। अब यहां पर हमने अंगूठे वाले बनाए हैं, मतलब बीच में वी शेप दिया है, तो वहां पर एक छोटा सीधा कट लगाएंगे। बस सीधा कट लगाना है, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डबल सिलाई से पक्का कर दीजिएगा। और यहां पर ये एक्स्ट्रा का कपड़ा था तो मैंने कट कर दिया। अब बस सेम तरीके से मैंने दूसरे पैर का भी बना दिया है। अब हम इसको सीधे में लेंगे, देखते देखते सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाते हैं। गर्म रहते हैं, कंफर्टेबल है, और इलास्टिक की वजह से आपको पहनने में भी कोई कोई परेशानी नहीं होगी। अब सेम तरीके से मैं इसको भी पलट कर लूंगी। तो दोनों मोजे हमारे तैयार है, बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं, और इसको पहनना भी काफी इजी है, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक डाला है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये बहुत ही आराम से पैर में चले जाते हैं, और इसका फिटिंग भी आप देख सकते हो, कहीं पर कोई झोल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं, और इलास्टिक के कारण आपको कंफर्टेबल भी फील होगा। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।